वापस से आपको खबर बता दें जैसलमेर से, जहां पर यूएवी विमान क्रैश हुआ है और अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। कारणों की जांच की जा रही है, विमान किन कारणों से क्रैश हुआ है, क्योंकि नियमित उड़ान पर यह विमान था और बॉर्डर एरिया की निगरानी कर रहा था। इस पर ज्यादा अपडेट लेंगे। ललित परिहार हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, किस वक्त की घटना है, कैसे विमान क्रैश हुआ है, पूरी घटना डिटेल में बताएं और क्या शुरुआती जांच में अभी तक सामने आया? यह एक तो ही विमान है, यूएई विमान है जो मानव रहित होता है। खासतौर से इस तरह के विमान जो इंटरनेशनल बॉर्डर है इसकी निगरानी के लिए तैनात किए जाते हैं। आज भी ये इंटरनेशनल बॉर्डर जो कि पाकिस्तान से लगती हुई सीमा है जैसलमेर की, यहाँ पर निगरानी कर रहा था। इस दौरान ये विमान गिरा है। जांच के बाद पता लग पाएगा कि क्या कारण रहा होगा। हालांकि जो बॉर्डर एरिया है और जो पूरा मारवाड़ से लगाकर, जोधपुर से लगाकर जैसलमेर और इंटरनेशनल बॉर्डर तक का एरिया, यहाँ अभी इन दिनों में गर्मी बढ़ी हुई है। लेकिन ये जो समय है, जब कुछ देर पहले की ये सूचना है कि विमान गिरा है, तो अभी सुबह के बाद गर्मी इतनी तेज भी नहीं हुई है कि ऐसा कोई कारण। और जो विमान है वो ऐसी परिस्थितियों में काम करने के लिए ही बनाए जाते हैं, जो बॉर्डर की, इंटरनेशनल बॉर्डर की, खासतौर से जो पश्चिमी हिस्सा है देश का, पश्चिमी सीमा है, यहाँ पर जैसी तेज गर्मी रहती है तो यहाँ पर अक्सर ये विमान टो करते हुए सूचनाएं एकत्रित किया करते हैं और लगातार बॉर्डर की निगरानी करते हैं। तो इस यूएई विमान का वहां आग लगने के बाद, जिसमें कोई पायलट नहीं था, मानव रहित विमान है, यहाँ पर अभी जांच की जा रही है। वायुसेना के अधिकारियों ने जो भी उपकरण जिनसे सूचनाएं मिल सकती है क्या कारण हो सकता है वो अपने कब्जे में ले लिए हैं। जो ग्रामीण इकट्ठा हुए थे, हालांकि ये सुनसान इलाके में गिरा है, आबादी से दूर है, जैसलमेर जो शहर है वहां से 30 किलोमीटर दूर पिथला गांव है, उसके पास में ये सुनसान इलाके में गिरा है। तो ग्रामीण वहां जरूर इकट्ठे हो गए थे तेज धमाके की आवाज के साथ जब विमान गिरा और उसके बाद जब आग लग गई, तो उन सबको दूर रखने के लिए स्थानीय पुलिस भी वहां पहुंची हुई है। अभी तक पता नहीं लग पाया है कि क्या कारण रहा होगा। जो कारण का पता लगाने के लिए जो महत्वपूर्ण उपकरण है वो वायुसेना के अधिकारियों ने कब्जे ले लिए है और जांच की जा रही है। जी।